हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स जिसको कोलिनोमाइमेटिक्स या फिर पैरासिम्पथेटोमाइटिक के नाम से जानते हैं। सबसे फर्स्ट में कोलिनर्जिक ड्रग को टू टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और सेकेंड होता है एंटी कोलिन स्ट्रेस। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है उसको डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्ट एफिनिटी होती है रिसेप्टर पे। ये जो ड्रग होते हैं जाके डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड कर सकते हैं। और जो एंटी कोलिन स्ट्रेस होता है वो कोलिन स्ट्रेस नाम का एक एंजाइम होता है जिसको इनहिबिट करता है। ये है प्री साइनेप्टिक नर्व, ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है। ये जो रिसेप्टर्स हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व पे प्रेजेंट हैं। अब यहाँ से हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और फिर वो डाके यहाँ रिसेप्टर पे या तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे या फिर मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे आके बाइंड करता है। यहीं पे एक एंजाइम होता है कोलिन स्ट्रेस। तो ये कोलिन स्ट्रेस जो एंजाइम होता है वो एसिटाइल कोलिन को एसिटेट और कोलिन में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे जितना क्वांटिटी में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है वो डायरेक्टली आके रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और जो एंटी कोलिन स्ट्रेस होता है वो कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो अब पहले हम लोग बात करेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है कोलिन एस्टर और सेकंड होता है एल्केलाइड्स। कोलिन एस्टर के अंदर में आता है एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बिथेनेकोल, और एल्केलाइड्स के अंदर में आता है मस्किरिन, पिलोकार्पिन एंड अरेकोलिन। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। ट्रिक है, ऐसी मीठी कढ़ी बनाई मशक के पीलो रे। ऐसी से हो जाएगा एसिटाइल कोलिन, मीठी से हो जाएगा मेथाकोल, कढ़ी से हो जाएगा कार्बाकोल, बनाई से बी आ जाएगा, बी से होता है बिथेनेकोल, मशक से हो जाएगा मस्करिन एंड पीलो से हो जाएगा पीलोकार्पिन, अरे से हो जाएगा एरकोलिन। अब हम लोग बात करेंगे एंटी कोलिन स्ट्रेस का, जो इसका काम क्या है, कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करना। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल की बात करेंगे तो ये फर्दर टू टाइप्स होता है, एक होता है कार्बामेट्स और दूसरा होता है नॉन कार्बामेट्स। इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको CN लिख सकते हैं, मीन्स साइनाइड, इसके लिए शॉर्टकट हो गया। अब कार्बामेट्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, नियोस्टिग्मिन, आइसोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन एंड रिवास्टिग्मिन। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, नियो को पैसों से प्यार है इसलिए कार में रिवा जा रहा है। नियो से हो जाएगा नियोस्टिग्मिन, पैसो मीन्स हो जाएगा फाइसो, फाइसो मतलब फाइसोस्टिग्मिन, प्यार से हो जाएगा PYR मीन्स पाइरिडोस्टिग्मिन, कार मीन्स हो जाएगा कार्बामेट्स, रिवा मीन्स हो जाएगा रिवास्टिग्मिन। सेम इसी तरह जो नॉन कार्बामेट्स है उसमें कौन कौन सा ड्रग आते हैं, डोनेपाजिल, टेकरिन, एड्रोफोनियम एंड गैलेंटामिन। इसके लिए शॉर्ट है, डॉन तकिए पे फोन रख के बेकार की बातें कर रहा है। डॉन से हो जाएगा डोनेपाजिल, टेकरिन जो है उससे बन गया तकिया, तकिए का मतलब हो गया टेकरिन, फोन मीन्स एड्रोफोनियम, बेकार मीन्स नॉन कार्बामेट्स, बातें जिसको पंजाबी में गल बोलते हैं, फिर तो गल का मतलब हो गया गैलेंटामिन। अब बात करेंगे हम लोग रिवर्सिबल एंटीकोलिन स्ट्रेस का। ये दो टाइप के होते हैं, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। इसके लिए शॉर्टकट होता है CO, एक साइड साइनाइड है एक साइड CO है। इसमें कार्बामेट्स में कौन कौन सा आता है, प्रोपॉक्सर एंड कार्बाराइल। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, जो प्रो प्लेयर होते हैं वो कार से आते हैं। प्रोकार, इसके लिए शॉर्टकट हो जाएगा प्रोकार, प्रो से हो जाएगा प्रोपॉक्सर और कार से हो जाएगा कार्बाराइल। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट में मेनली कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट में आते हैं मेलाथायोन, इकोथायोफेट, डायाजिनोन, सेरिन, सोमान एंड टाबून। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, मेडिसिन सस्ता, मेडिसिन से मेडी मतलब मेडी का एम से हो जाएगा मेलाथायोन, ई से हो जाएगा इकोथायोफेट, DI से हो जाएगा डायाजिनोन, सस्ता का SA से हो जाएगा सेरिन, S से हो जाएगा सोमान, TA से हो जाएगा टाबून। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि
हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो ड्रग के क्लासिफिकेशंस हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत इजी तरीके से बताया गया है। थैंक यू सो मच।